दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मांग रही हैं भिक्षा, कहा ये मेरा है अधिकार। जी हां दोस्तों, आमतौर पर चुनावी मौसम में उम्मीदवारों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने का आरोप लगता है, लेकिन देश की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल में नजारा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोगों से चुनाव लड़ने के लिए भिक्षा मांग रही हैं। प्रज्ञा का कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है और लोगों के धन से ही वो चुनाव के मैदान पर उतर रही हैं। साध्वी ने कहा कि वह एक साध्वी हैं, भिक्षा मांगना उनका अधिकार है, इसीलिए वह लोगों से चुनाव लड़ने की खातिर भिक्षा मांग रही हैं। आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सोमवार को थाना कमला नगर में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। SDM खुद थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान SDM संजय श्रीवास्तव ने बताया कि उनके द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बाद जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था वो सही नहीं पाया गया, जिसके बाद धारा 188 पर मामला दर्ज किया गया। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इन धाराओं से साध्वी के नामांकन पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और ये भी कह दिया है कि अगर साध्वी पुलिस की जांच में दोषी पाई जाती है तो उन पर 1 साल का कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि एडिशन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 27 अप्रैल को फैसला सुनाने का दिया आदेश। जी दोस्तों, दिल्ली के राउज इवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के बयान के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया जाए या नहीं, इस फैसले पर सुरक्षित रख लिया है। एडिशन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 27 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। मानहानि की ये शिकायत दिल्ली भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई है। 16 नवंबर 2018 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता और न ही चप्पल से। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर और नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को बनाया उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर और नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा केंद्र चुनाव समिति के सचिव JP नड्डा ने सोमवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी का इस बार टिकट काट दिया है, उनकी जगह गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी पर दोबारा भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों से जीत दर्ज की थी। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार पर 3 दिनों की रोक, मीडिया के सामने बयान देने और साक्षात्कार देने आदि पर भी रोक लगाई। जी दोस्तों, चुनाव आयोग ने विवादास्पद भाषण के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक तथा पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग ने श्री सिद्धू को 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अगले 3 दिनों के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने, जनसभाएं करने, रोड शो आयोजित करने, मीडिया के सामने बयान देने और साक्षात्कार देने आदि पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने श्री सिद्धू को बिहार के कटिहार में एक चुनावी रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। श्री सिद्धू पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है। यह दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राफेल मामले में अपने बयान पर राहुल ने जताया खेद, कहा भविष्य में अदालती कार्रवाई को लेकर इस तरह का बयान नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले पर उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्रवाई का हवाला लेकर लिए गए बयान के पर सोमवार को एक हलफनामा दाखिल करके खेद जताया और कहा कि वे भविष्य में इस तरह के बयान देने से गुरेज करेंगे। श्री गांधी ने उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी नोटिस का हलफनामे के जरिए दिए अपने जवाब में कहा कि उनके बयान का राजनीतिक विरोधियों ने गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी सरगर्मी के दौरान अदालती कार्रवाई को लेकर गलत बयान दिया
था, जिस पर उन्हें खेद है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत की राफेल लड़ाकू विमान मामले की सुनवाई जारी रखने के फैसले के संदर्भ में उन्होंने इस तरह का बयान दिया। श्री गांधी ने अदालत में दायर 19 पृष्ठों के हलफनामे में कहा कि राफेल मामले देश के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में से एक है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों ने दावा किया था कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार की क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बयानों पर उन्होंने विश्वास किया। उल्लेखनीय है कि श्री गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में शीर्ष अदालत की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा था कि अदालत ने राफेल मामले में मान लिया है कि चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी चोर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंच पर युवक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक युवक ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी श्री सिंह शहर के बाहरी हिस्से ईटखेरी में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 15 लाख रुपए नागरिकों के खाते में पहुँचाने के श्री मोदी के चुनावी वादे के संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा कि क्या किसी के खाते में अब तक 15 लाख रुपए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो हाथ उठाए, वे उसका अभिनंदन करेंगे। श्री सिंह के भाषण को सुनकर लाल शर्ट पहने एक युवक ने हाथ उठा दिया। श्री सिंह ने उसे मंच पर बुलाया और कहा कि यदि 15 लाख रुपए आए हैं तो बताइए। युवक ने माइक के सामने आते ही कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। इतना सुनते ही श्री सिंह ने युवक से माइक छीन लिया। इसके बाद वहां खड़े एक व्यक्ति ने युवक को मंच से उतार दिया। इस घटनाक्रम के बाद श्री सिंह ने किसी तरह स्थिति को संभालने का प्रयास किया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष को मिली बड़ी राहत, राहुल गांधी का नामांकन पत्र वैध। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्र को लेकर दाखिल की गई आपत्तियों को निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के अफजल वारिस, निर्दलीय ध्रुवलाल, सुरेश कुमार शुक्ल व सुरेश चंद्र यादव ने अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राम मनोहर मिश्र के समक्ष लिखित आपत्तियां दाखिल कर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का नामांकन पत्र अवैध घोषित करने की मांग की थी। आपत्ति दाखिल होने के बाद श्री गांधी के अधिवक्ता राहुल कौशिक ने निर्वाचन अधिकारी से आरोप का खंडन करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। अधिवक्ता के अनुरोध पर इस मामले में स्थगन आदेश जारी करते हुए आरोपों के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे का समय नियत किया था। इस मामले पर सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे से अमेठी के जिलाधिकारी में नामांकन कक्ष में हुई, जिसमें दोनों के पक्षों के वकील मौजूद थे। श्री गांधी के वकील केसी कौशिक ने सभी आरोपों का जवाब दिया, जिसके आधार पर अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राम मनोहर मिश्र ने आपत्तियों को खारिज करते हुए नामांकन वैध करार दिया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि यह चुनाव रोजी रोटी और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के करीब विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के पास गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, उद्योग, निवेश और महिला सुरक्षा पर गिनाने को कुछ नहीं है। कोई उनसे देश के विकास के बारे में पूछे तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। ये चुनाव रोजी रोटी और देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत अजमेर में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खोल देगी। पायलट सोमवार को सरवाड़ में अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा लोगों को जाति धर्म में बांटने
घाटे की राजनीति की है, इसलिए अब ऐसी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जिन पुराने नेताओं ने मेहनत से भाजपा को खड़ा किया, आज उन्हीं को किनारा कर दिया गया है। ऐसे में सहज समझ जाना चाहिए कि जो लोग अपनों के ही नहीं हुए, वे आम जनता के क्या हो सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल है। मोदी फैक्टर तब कहा गया था जब देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में उपचुनाव और राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, राहुल गांधी को जनता अब सबक सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने यह सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चोर कहने के मामले में गलती मान ली है। उन्होंने कहा कि अब जनता सबक सिखाएगी। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में सर्वोच्च न्यायालय की क्लीन चिट के बावजूद देश के प्रधानमंत्री को बार बार चोर कहा। राहुल ने मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों को भी चोर कहा, लेकिन कानून कार्रवाई के बाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में खेद प्रकट किया। ज्ञात को ही सर्वोच्च न्यायालय में हालांकि क्लीन चिट नहीं दी है, बल्कि राफेल सौदे से संबंधित समीक्षा याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है। सुशील मोदी ने दावा करते हुए कहा कि मोदी सरनेम वालों को चोर कहने के लिए भी राहुल को बहुत जल्द माफी मांगनी पड़ेगी और जनता इसी लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि तिहाड़ प्रशासन ने नहीं पेश की जांच रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय, कैदी ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, तिहाड़ जेल के एक मुस्लिम कैदी की पीठ पर गर्म लोहे से ओम बनाने के मामले में आज कड़कड़नुमा कोर्ट में तीसरी बार भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तिहाड़ प्रशासन की ओर से कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के विरोध के चलते कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। बता दें कि पीड़ित कैदी शब्बीर के अधिवक्ता जनमोहन ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने शब्बीर से मारपीट की थी तथा उसकी पीठ पर मेटल की किसी धातु से ओम का निशान बना दिया। आज कड़कड़नुमा कोर्ट में न्यायिक की हिरासत में पेश पीड़ित शब्बीर ने बताया कि न्यायाधीश के आदेश के बाद भी उन्हें जेल में कोई चिकित्सा नहीं दी जा रही है, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई भी उन्हें नहीं दी गई। रविवार को जब उन्हें दूसरी जेल में भेजा गया तब केवल 1 इंजेक्शन उन्हें लगाया गया। आज जेल से DSSD के मूर्ति कोर्ट में पेश हुए, लेकिन आज भी इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उन्होंने कोर्ट से 2 हफ्ते का और समय मांगा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात मानते हुए 30 अप्रैल की तारीख दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राहुल को बम बांधकर पाकिस्तान भेज दो, बयान पर फंसी पंकजा मुंडा, चुनाव आयोग पहुंचा मामला। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले राहुल गांधी के गले में बम बांधकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। महाराष्ट्र के जालना में एक कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा कि आजकल कोई भी खड़ा होता है और नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ, कितने लोग मरे। वहीं पंकजा मुंडे इस बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग को इस बावत पंकजा मुंडे के भाषण का वीडियो और ट्रांसक्रिप्शन भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग पंकजा मुंडे के इस बयान पर कार्रवाई कर सकती है। रविवार को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे की एक सभा में पंकजा मुंडे ने कहा, हमने अपने सैनिकों पर कायराना हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया। वे पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ। मैं कहती हूं राहुल गांधी के गले में बम बांध दो और उसे वहां भेज दो। आजकल कोई भी खड़ा होता है और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगता है। मोदी ऐसे लोगों को जानते तक नहीं, फिर भी ये लोग पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ, कितने लोग मरे। ऐसे लोगों को बम से बांध देना चाहिए और हेलीकॉप्टर से फेंक देना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा। पंकजा मुंडे ने कहा कि ये लोग आर्मी पर शक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिस तरह से सीमा पर हमारे जवान संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह लोकतंत्र के सिपाही के रूप में आपको भी लड़ना चाहिए। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारत ने सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कार्रवाई में 30 से 35 आतंकी मारे गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार
सरकार में ग्रामीण विकास और महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पंकजा मुंडे की बहन प्रीतम मुंडे इस बार बीड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर 18 अप्रैल को मतदान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, डोनाल्ड ट्रंप का भारत को बड़ा झटका, 2 मई के बाद ईरान से तेल खरीदने पर लगेगा बैन। दोस्तों, व्हाइट हाउस द्वारा 2 मई के बाद ईरान से तेल आयात करने वाले भारत समेत अन्य देशों पर अमेरिकी पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कच्चे तेल के आयात पर आगे किसी देश को कोई छूट नहीं देने का फैसला किया है। बता दें कि ट्रंप के इस बड़े फैसले से सबसे ज्यादा असर भारत को होगा। वर्तमान में ईरान से सबसे ज्यादा तेल का आयात चीन और भारत करता है। अब अगर ये दोनों देश 2 मई के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ ईरान से तेल का आयात जारी रखते हैं तो फिर अमेरिका के साथ इनके द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव आ सकता है और व्यापार जैसे अन्य मुद्दों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका की ओर से ईरान से तेल आयात के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाएगी। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसका ऐलान किया है, जो देश ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद नहीं करेगा उसे अमेरिकी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। साफ शब्दों में कहें कि अमेरिका 2 मई के बाद किसी भी देश को ईरान से तेल आयात करने की कोई छूट नहीं देगा। पिछले साल अमेरिका ने 8 देशों को ईरान से तेल आयात के बदले दूसरा ऑप्शन देखने के लिए 180 दिनों की छूट दी थी। यह छूट 2 मई को पूरी हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब की आप भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।